जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करूंगा आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात नहीं करूंगा जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं आपके सामने हजारों तरह के इनके लिए थोड़ा सा मैं आपको आगाह करना चाहता हूं इनको देखने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा वरना आपका यू तो कम से कम दिमाग में कचड़ा भर जाएगा ठीक है ये कचड़ा आ रहा है जो भी आ रहा है वो कचड़ा आ रहा है इस समय अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्या हज़ार प्रश्न आएंगे सोच के देखिए एक प्रश्न आपका मेंस में बनेगा एक प्रश्न बना तो आपका प्री में बन सकता है ठीक है चांसेस हैं जब कोई चीज़ ज़्यादा फेमस होती है तो उससे प्रश्न नहीं बनता है लेकिन उससे जुड़ कर के जो है प्रश्न आता है ठीक है अब वो प्रश्न बनेगा कहाँ से ये जो लोग हैं जो मेडक की तरह एकदम से आ जाते हैं जैसे कोई नई चीज़ आई तो मेडक की तरह बनाते हैं क्यों बनाते हैं क्योंकि उनके व्यूज़ वगैरह आ सके है ना वहाँ से जो है पैसा जनरेट होता है व्यूज से इस वजह से व्यूज आ सके उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है या नहीं है आप समझ रहे होंगे ठीक है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है वेट कब तक करना है वेट करना है आपको एक जनरल जो चीज़ है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई है वो डिस्क्रिप्शन या पर कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा वो गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक डॉक्यूमेंट है उसे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है बेसिक जानकारी ठीक है वो हो गई आपकी बेसिक जानकारी और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न बनेंगे चाहे वो प्री हो या मेंस हो वो आपके आने वाले हैं योजना से ठीक है योजना जो नेक्स्ट आएगी आपकी अगले मंथ वाली योजना जो आएगी उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में डिटेल में पूरा ही आएगा या तो ये आपका हो सकता है अगस्त महीने की में आ, अगस्त नहीं सितंबर महीने में आएगी ठीक है तो तब तक आपको वेट करना है ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न आपको ऐसा लगेगा देख देख कर आपके दिमाग में इतना कचड़ा भर जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड कि कोई भी जो बेहतर चीज़ होगी ना जो यू के लिए इम्पोर्टेंट होगी वो आएगी ही नहीं दिमाग में अब इस पर आपको खुद ही थोड़े से सोचना पड़ेगा ठीक है सोचना कब पड़ेगा आपके पास थोड़े से फैक्ट होंगे वो फैक्ट कहाँ से मिलेंगे आपको वो फैक्ट मिलेंगे वहीं पर ठीक है कुछ लोग तैयार करके देंगे मेहनत करेंगे तब जाके लेख लिखे जाएंगे उन पर ठीक है तो उनको पढ़िएगा अभी न्यूज़पेपर के लेख अभी मत पढ़िएगा अभी थोड़ा सा पाँच से छः दिन रुक जाइए पाँच से छः दिन लोगों के डिस्कशन वगैरह हो जाने दीजिए ठीक है राज्यसभा चैनल पर कोई डिबेट आए उसे जरूर देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, से रिलेटेड ठीक है और ये सब जो कचड़े जो भर रहे हैं इन्हें दिमाग से बिल्कुल भरने मत दीजिएगा वरना राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी एक भी प्रश्न जो है बनने का नहीं है टाइम वेस्टिंग आपके पूरी की पूरी हो जाएगा है ना तो जो भी प्रश्न बन सकते हैं मैं आपसे डिस्कशन करूंगा उनके बारे में जल्द ही पहले थोड़ा पूरे डॉक्यूमेंट अभी बताइए गवर्नमेंट ने भी पूरा डॉक्यूमेंट दिया नहीं है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न बताने लग गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये है दो तीन फैक्ट आ जाते हैं कि एच आर डी का जो है नाम बदल दिया है अब ठीक है इस प्रकार की चीज़ें जो है छुटमें छुट्टों सी बताने के लिए आपके दिमाग में कचड़ा भर देते हैं अरे भाई ये तो सभी जान जानते ही हैं ठीक है जो भी लोग बना रहे हैं सभी लोग जान ही जाएंगे नॉर्मली लेकिन यूपीएससी पी एस का यह अलग मामला है ठीक है उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए और बाकी के अदर चीज़ें जो है वो करते रहिए आपके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ठीक है एक एक प्रश्न है अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा तो इस पर बहुत नहीं पढ़ना है जितना ज़्यादा देखोगे उतना ही कन्फ्यूज हो जाओगे तो थोड़ा सा वेट करिए योजना आ जाने दीजिए योजना से पढ़िएगा मेंस की दृष्टिकोण भी वहीं से मिलेगा आपको ठीक है प्लीज संबंधित कुछ फैक्ट यदि बनने होंगे तो वो प्रश्न जो है वहीं से बनाएंगे क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ये यूट्यूब पर जो अड्डा बना रखा है ना ये यहाँ से नहीं कुछ आने वाला है ठीक है तो थोड़ा सा वेट करिए डिस्कशन कमेंट बॉक्स में जो डॉक्यूमेंट दिया गया है एम एच द्वारा वो मैं आपको दे दे रहा हूँ वहाँ से जाके आप एक बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी क्या क्या खाका है ठीक है उसके अंदर की क्या चीज़ें हैं क्या सही है क्या गलत है वो डिबेट आप लगाओ चार से पाँच दिन गुजर जाने दीजिए एक दो आप वीडियोज़ देख लीजिएगा राज्यसभा चैनल पर उसके बाद आपका योजना आ जाएगी जय जय भारत धन्यवाद